संसार में सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का माना जाता है। जाने अनजाने में हुई गलतियों के चलते कई लोग जेल में बंद हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जेल की सलाखें भी बहन के अपने भाई के प्रति स्नेह को नहीं रोक सकी है। गुरुवार को अनेक महिलाएं सलाखों के पीछे कैद अपने भाई को राखी बांधने सिवनी मालवा सब जेल पहुँची। जेल प्रबंधन ने भी इस अटूट रिश्ते की रस्म को सादगी से निभाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। भले ही भाई जेल में है, लेकिन बचपन से ही जिसे राखी बांधती चली आई, उन बहनों का मोह भला कैसे कम हो सकता है। भाइयों की कलाई पर राखी की डोर बांधने के लिए बहने सिवनी मालवा की जेल पहुंची। सिवनी मालवा की सब जेल पर सुबह से ही दूर दराज के ग्रामीण इलाकों और अलग अलग शहरों से आई बहनों का तांता लगा रहा। हाथ में आरती और पूजा की थाल में राखी, चंदन, रोली और मिठाई की थाल के साथ वे घंटों लाइन में खड़ी रही। साल में एक बार जेल के बाहर यह नजारा देखने को मिलता है। बहने भी भाई बहन के प्यार के प्रतीक इस पर्व को मनाने और राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। जेल प्रशासन ने भी इस पवित्र रिश्ते और त्योहार को देखते हुए पहले से ही शासन के निर्देशानुसार प्रबंध किया हुआ था। जेलर आदित्य सिंह ने बताया कि हमारे द्वारा शासन के निर्देशानुसार राखी के पर्व को देखते हुए कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से बहनों की भाइयों से मुलाकात कराई जा रही है एवं बहनों द्वारा लाई गई रक्षा सूत्र, रोली, चंदन, मिठाई को बंदियों तक पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ नारियल को बाहर ही फोड़ने को कहा गया है। नहीं, ये ऊपर पहुंचा सके बहन बेटी आई है, हमको भी कुछ नहीं फायदा मिला। अरे तो बांधे कहाँ से? आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर जेल प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है सर? रक्षाबंधन को देखते हुए कोरोना जब तक चल रहा था तब तक मुलाकात टोटल प्रतिबंधित थी। अब कोरोना खत्म होने के बाद में फिर भी सुरक्षा को दृष्टि को रखते हुए बंदियों की टेलीकॉम के माध्यम से उनके परिजनों की मुलाकात कराई जा रही है और ऊपर के आदेश के अनुसार जो हमारे उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए उसके अनुसार आप रक्षा सूत्र, कुमकुम, तिलक, चंदन, एकाध मीठा और एकाध फल आप दे सकते हैं। नारियल हो तो नारियल बाहर ही फुड़वा के उसको रख के आप दे सकते हैं। उसमें हम बंदी का नाम और जो परिजन का नाम डाल देते हैं, बंदी को दे देते हैं। तो अंदर अपना रक्षा सूत्र बांध कर और तिलक चंदन करके अपना उपयोग कर लेते हैं उसका।